Hi to everyone and welcome back to my channel Sane's Nest. मैं रूबी सेन. देखिए पूर्णिमा का चांद कितना सुंदर लग रहा है. हैप्पी माघी पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू. ये सैटरडे वाला ब्लॉग है फ्रेंड्स. आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक स्वीट डिश. उसके पहले जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत थैंक्स, और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट. लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए. आप लोग का कमेंट्स मुझे बहुत एनकरेज और इंस्पायर करता है. और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी हंड्रेड और फेसबुक पेज है सेन्स नेस्ट. आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मिल्क केक की रेसिपी. सो कढ़ाई में मैंने पहले घी डाला है. उसके बाद इसमें हाफ लीटर ऑफ मिल्क ऐड करें. उसके बाद इसमें ऐड करें मिल्क मेड. मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क मेड ऐड किया है. आप उससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं. उसके बाद इसमें ऐड करें 250 ग्राम्स ऑफ खोआ. ये खोआ मैंने घर में ही प्रिपेयर किया है. और खोआ बनाने के बाद इसमें मैंने ग्रेटेड कोकोनट भी ऐड किया है विथ सम शुगर. सबको अच्छे से मिक्स करें. मिक्स इट वेल और इसे अच्छे से बॉईल होने दें. जब भी अच्छे से बॉईल होने लगेगा तब इसमें ऐड करें 100 ग्राम्स ऑफ ग्रेटेड पनीर. अगेन उसे अच्छे से मिक्स करें. मिक्स इट वेल और उसे कुक करें फॉर अनदर 5 मिनट्स. इसे तब तक कुक करें जब तक कि ये थोड़ा सा रिड्यूस ना हो जाए. उसके बाद इसमें ऐड करें शुगर. शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे 1/2 कप के करीब शुगर ऐड किया है कि मेरे खोआ में भी शुगर एडेड था, इसलिए मैंने कम शुगर ऐड किया है इसमें. और इसे अच्छे से मिक्स करें और गाढ़ा होने तक इसे कुक करें. Now it's time to add dry fruits on it. मैंने यहाँ पे सिर्फ almond को add किया है. आप और भी dry fruits add कर सकते हैं. और इसमें add करें इलायची जिसे मैंने अच्छे से crush कर लिया है. और सबको अच्छे से mix करें. Mix it well और हमेशा चलाते रहे ताकि नीचे लग ना जाए. Now you can see कि ये पूरा गाढ़ा हो चुका है. अब इसे mold में इसे set करें. मैं इसे केक के मोल्ड में सेट करूंगी. अगर आपके पास ऐसा मोल्ड नहीं है तो आप इसे लड्डू के शेप में भी कर सकते हैं या किसी भी बर्तन में इसे अच्छे से सेट कर सकते हैं, किसी ट्रे में भी. और इसके ऊपर में एक बादाम डाल के इसे डेकोरेट करें. ये बहुत ही सुंदर दिखेगा. और इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दे सेट होने के लिए. और 1 घंटे के बाद ये बिल्कुल तैयार है टू सर्व. और इसे सर्व करें. इसे मोल्ड से निकाल के प्लेट में सर्व करें. और देखिएगा बच्चे और बड़े दोनों बहुत ही खुश हो जाएंगे. और इसे बना के मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा बना था. तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में. टिल देन बाय बाय. स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी.